सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही, सब हो रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है, ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है। तो जहां हमको दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है, वहां हम दौड़ जाए, सेवा करें, दोनों हाथों से कमाएं, अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे, सेवा और परोपकार के माध्यम से। यह करुणा का अर्थ आज है। शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता के लिए संयम चाहिए, अपने को रोकना है। सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही, ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छाएं हैं, और इसलिए अपने आप को संयम में रखते हैं तो सारी पृथ्वी सब मानवों को जीवित रखेगी। गांधी जी कहते थे, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट इट कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन्स ग्रीड। तो लोभ नहीं करना, संयम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने कुटुंब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना, सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक संवेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना, यही देशभक्ति का रूप है। इससे जीवन में पवित्रता आती है। और तपस का तो मूर्तिमान उदाहरण आपके सामने आज दिया गया। व्यक्तिगत तपस तो हम करेंगे, सामूहिक तपस क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसी जानताम।